हेलो, वेलकम ऑल टू जेएसएससी एग्जाम प्रेप। आज हम लोग जो है छायर छायर जो पुस्तक है इसका हम लोग सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर छायर पुस्तक का पहला पार्ट जो था उसका नाम था, पहला कहानी जिसको बोलेंगे हम लोग, उसका नाम था छाहिर। उसका नाम था छाहिर। और इसी छायर किताब का जो सेकंड कहानी है उसका नाम है बोनिक लोर। बोनिक लोर, बोनिक लोर का मतलब क्या होता है? बोन, बोन के लोर, बोन यानी बोन, बोन यानी जंगल, बोन मतलब जंगल, के मतलब के, बोन के आंसू मतलब जंगल के आंसू। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। तो खोटा में हम लोग देखेंगे, मान लीजिए बोलेंगे राम का, राम का, तो राम का हम लोग कैसे बोलेंगे? खोटा में तो हम लोग बोलेंगे रामेक। जो का होता है ना यहाँ पे, का की जगह में ए का एक लग जाता है, एक। ठीक है, तो राम का से हो जाएगा रामेक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोने क्लोर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोने क्लोर जिसका अर्थ है जंगल के आंसू। तो हम लोग पूरा कहानी हिंदी में देखने वाले हैं, हिंदी में। और उसका उसका जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसको हम लोग खोटा में करेंगे। ठीक है, सुबह सुबह हल्का ठंडा था, सुबह सुबह हल्का ठंड था। बोन में जहाँ तहाँ महुआ केंदुआ आदि वृक्ष थे। तो सुबह सुबह हल्का ठंड था और जंगल में जहाँ तहाँ मतलब हर जगह इधर उधर महुआ केंदुआ आदि के वृक्ष थे। छोटी पहाड़ियाँ और बड़े पहाड़ों के नीचे प्रत्येक साल आग लग जाता है। मतलब छोटे पहाड़, छोटे मोटे पहाड़ है, छोटे पहाड़ है, बड़े पहाड़ है, तो हर साल इन पहाड़ों के नीचे आग लग जाया करता था। इससे छोटे मोटे वृक्ष लता पत्ता आदि जल जाता था। तो जब पहाड़ के नीचे, जो पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जब आग लग जाता था तो छोटे मोटे पेड़ वृक्ष लता पत्ता आदि जल जाते थे। ये आग खुद लग जाता था या कोई लोग जान कर लगाते थे ये पता नहीं था। और जो आग लगता था वो 15 दिन तक जलता रहता था। जो आग लग जाता था वो 15 दिन तक लगातार जलता रहता था। लोग महुआ चुनने, चुनने का मतलब क्या हुआ? उठाने आते थे। ठीक है, लोग महुआ चुनने, उसको खोटा में बोलते चुनने को बिछेक। लोग महुआ चुनने, अगर क्वेश्चन में आ गया कि बिछेक, लोग बोन में के बिछेक आवे रहो, ठीक है, तो उसको मतलब चुनने। लोग महुआ चुनने के लिए कांटा आदि को साफ करने के लिए आग लगा देते थे। जो महुआ पेड़ जो रहता था, ऐसे पेड़, तो उसके नीचे लोग क्या करते थे ना, जो कांटेदार झाड़ी वाड़ी रहते थे उसको आग लगाते साफ कर देते थे। तो यही कह रहा है, लोग महुआ चुनने के लिए, महुआ चुनने के लिए कांटा आदि को साफ करने के लिए आग लगा दिया करते थे। इससे वनराज दुखी हैं। तो जो लोग आग लगाते थे ना उससे जो वनराज है, जंगल के राजा है, वो दुखी हैं। और वह कहता है, तो दुखी मन से जंगल के राजा वनराज कहते हैं, लोग अपनी सुविधा के लिए बांस काट आदि ले जाते हैं। लोग अपना सुविधा, सुख सुविधा के लिए बांस काट लकड़ी मतलब लकड़ी आदि ले जाते हैं। ये कोई दुख की बात नहीं है। तो इससे वो दुखी नहीं है। लोगों को सुविधा के लिए मैंने फल फूल, तो बोन राजा कहते हैं, लोगों की सुविधा के लिए मैंने फल फूल, जलावन के लिए लकड़ी, कुर्सी टेबल, कुर्सी टेबल, कुर्सी टेबल के लिए लकड़ी,
घर के छत बनाने हेतु के लिए लकड़ी आदि प्रदान किया। तो बोन राजा कह रहे हैं कि मैंने फल फूल दिया, जलावन के लिए लकड़ी दिया, कुर्सी टेबल बनाने के लिए लकड़ी दिया, घर की जो छत है, छत जो लकड़ी वाला घर होता है, जो घर का छत है, इसको बनाने के लिए मैंने लकड़ी दिया, सब कुछ प्रदान किया। जिनको अपनी जीविका चलाना है वो हमसे यदि कुछ लेते हैं, तो वो कह रहे हैं जिनको अपनी जीविका चलाना है और वो हमसे यदि कुछ लेते हैं तो उनको मैं क्षमा कर सकता हूँ। जो बोल रहे अपना डेली लाइफ जो चलाना है, जिसको डेली लाइफ चलाने के लिए अपना कुछ ले जा रहे हैं, तो उसको मैं माफ कर सकता हूँ, क्षमा कर सकता हूँ, तो क्षमा कर सकता हूँ कि लकड़ी को चुरा कर बाजार में पैसा, अगर लकड़ी को चुरा कर बाजार में पैसा के लिए बेचते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं, तो मुझे उनसे चिढ़ है। तो कह रहे हैं कि लोग रोजमर्रा के लिए अगर ले जाते हैं लकड़ी, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर वही लोग लकड़ी चुरा चुरा कर और शहर में संपत्ति के लिए अगर उसको बेच रहे हैं, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए बेच रहे हैं, तो उससे मुझे बहुत चिढ़ है। यदि मुझे रुलाकर चोरी छुपे उजाड़ रहे हैं मेरी फुलवारी, सुंदर घर को उजाड़ रहे हैं, तो उनसे मैं नाराज हूँ। वो कह रहे हैं यदि वे मुझे रुला कर चोरी छिपे उजाड़ रहे हैं मेरे फुलवारी को, सुंदर घर को, जंगल है तो जंगल तो एक सुंदर घर ही है पेड़ पौधा के लिए, तो सुंदर घर को उजाड़ रहे हैं, तो उनसे वन राज वो बहुत ही नाराज है। इन बातों को सुनकर आम लोगों ने कहा, तो बात ऐसा है, सबसे पहली बात मैंने जो बताना भूल गया, यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही वन राज मतलब जंगल का राजा और आम आदमी के बीच, आम आदमी के बीच बात हो रही है। अभी जो वन राज आम आदमी से अपना दुख सुना रहा है। इन बातों को सुनकर आम लोगों ने कहा, तो बोन राजा का जो बात है वो सुनकर आम लोगों ने कहा, आप जितना दुखी हैं हम लोग भी कम दुखी नहीं हैं। तो आम लोग जो हम लोग जैसे इंसान हैं, आम लोग बोल रहे हैं कि आप जितना दुखी हैं ना, हम लोग भी कम दुखी नहीं हैं। जिस तरह आपके आंसू को कोई नहीं देखता, वैसे ही हम लोगों के भी वैसे ही हम लोगों के आंसू को भी ना तो सरकार ना ही उसके नौकर चाकर बूझते और समझते हैं। आम इंसान कह रहे हैं जिस तरह आपके आंसू को कोई नहीं देखता, वैसे ही हम लोगों के भी आंसू को ना तो सरकार ना ही उसके नौकर चाकर बूझते हैं और ना ही समझते हैं। जो सरकार है वो अंधी है, अंधी सरकार के बेईमान नौकर चाकर, जंगल विभाग के सिपाही, तो नौकर चाकर कौन हुए? जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल हम लोगों को सताते हैं। वो रहे जो जंगल विभाग के सिपाही है या वनपाल है, मतलब सरकार के नौकर चाकर, वो हम लोगों को बहुत सताते हैं। अगर हम लोग चूल्हा में जलाने के लिए वाले लकड़ी को भी ले जाते हैं, चूल्हा में जलाने वाले लकड़ी के लिए बहू बेटी को बेइज्जत करते हैं और उसकी बहुत आम इंसान कह रहे हैं कि हमारी अगर बहू बेटी भी जंगल जाती है, चूल्हा में लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए जाती है, तो जो जंगल के फॉरेस्टर है, सिपाही है, नौकर चाकर है जंगल के सरकार के, वो हमारी बहू बेटी को बेइज्जत करते हैं। जवान जवान लड़कियों को धमका कर इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। जो सरकारी नौकर चाकर है, फॉरेस्टर है, इन लोग क्या करते हैं ना, लड़कियों को धमका कर इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। वो तो 10-5 की संख्या में लड़कियां रहती है, तो आम इंसान कह रहा है कि जब लड़कियां 10-5 की संख्या में रहती है ग्रुप बनाकर, तब वो इस कारण बच पाती है। वैसे में लकड़ी चोरी का आरोप लगाकर उनसे रुपया वसूला जाता है। जब वह 10-5 की संख्या में रहते हैं तब तो सरकारी नौकर चाकर कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हमारी लड़कियां बच जाती हैं। मगर करते हैं क्या है, जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, लकड़ी के चोरी का आरोप लगाकर उनसे पैसा रुपया पैसा वसूला जाता है।
वसूलते हैं, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो रुपया पैसा वसूलते हैं। विरोध करने पर लड़कियों को मारा पीटा जाता है, जब लड़कियां विरोध करती हैं तो लड़कियों को मारा पीटा जाता है। किनके द्वारा? सरकारी नौकर चाकर फॉरेस्टर के द्वारा। यदि हम लोग घर के लिए जरूरी लकड़ी का डांग भी लाते हैं, मतलब कोई डंडा, ठीक है, डंडा वंडा भी लाते हैं अगर लकड़ी जरूरत से, तो सिपाही मारते हैं फिर मुकदमा भी कर देते हैं। तो सिपाही जो है आम आदमी को मारते भी हैं और केस फाइल भी कर देते हैं, मुकदमा भी कर देते हैं, ठीक है। थाना वाला पकड़ कर जेल में डाल देता है, थाना वाला पकड़ कर जेल में डाल देता है, ये मुकदमा कभी समाप्त नहीं होता। और मुकदमा इतना, लकड़ी वाला जो मुकदमा रहता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, जल्दी खत्म नहीं होता है। तो बोल रहा है कभी समाप्त नहीं होता। हम लोगों को छुड़ाने या जमानत के लिए कोई नहीं आता, जब हम लोगों को पकड़ लिया जाता, आम आदमी कह रहा है, तो हम लोग को छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं आता। अब आम आदमी कहता है, क्या तुम हमारे इस जिंदगी को नहीं देखते वन राजा? आम आदमी वन राजा से कहता है अपना दुख सुनाते हुए, क्या हम लोगों की जिंदगी को तुम नहीं देखते हो? ऐसा सुनते ही वन राज, जो वन राजा है, वो कहने लगता है। वन राजा ने कहा, मैं सब कुछ देखता हूँ। वन राजा कह रहे, मैं सब कुछ देखता हूँ, समझता भी हूँ, किंतु मन मार कर रह जाता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं मन मार कर रह जाता हूँ, सब देखता हूँ। क्या देखता हूँ? क्यों मन मार कर रह जाते हैं? जब जंगल में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनका इज्जत लूटा जाता है, उनको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो वन राजा देखते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मैं मन मार कर रह जाता हूँ। वन राजा ने कहा, आप लोग तो केवल अपने और अपने परिवार के दुख में दुखी हैं, इससे अधिक तो आप सोच ही नहीं पाते। तो वन राज इंसानों से कह रहे हैं, हम लोगों से, आप लोग तो केवल अपने और अपने परिवार के दुख में दुखी हैं, इससे अधिक तो आप सोच भी नहीं पाते हैं। वन राज कहते हैं, आदमी भगवान का सबसे श्रेष्ठ जीव है। तो आदमी, यहाँ पे याद रखना, आदमी भगवान का सबसे श्रेष्ठ जीव है। इसमें अपने को बड़ा, ऊंचा, बुद्धिमान, चालाक बनने के लिए दूसरे जीव जैसे रेंगने वाले, रेंगने, उड़ने वाले, तैरने वाले, रूप को अपने काबू में करने वाले, मतलब हर चीज में काबू करने वाले इंसान है, जो कि बहुत ही अपने आप को बड़ा समझते हैं, ऊंचा है, बुद्धिमान भी है, चालाक भी समझते हैं, और रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, हर रूप के जीव जंतु में काबू कर लेते हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए कई प्रकार के जीवों को खिलाता पिलाता है। मतलब जो इंसान है, वन राजा कह रहे हैं, वन राजा, कि इंसान जो है अपने स्वार्थ के लिए कई प्रकार के जीवों को खिलाता पिलाता और पोसता भी है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा है कि ये करते, खिलाता है, पिलाता है, पोसता भी है, जो नहीं करना वो सब करता है। तो कहने का मतलब है कि अपने स्वार्थ के लिए इंसान को जो करना वो कर गुजरता है। और वन राजा जोर जोर से बोलते बोलते वन राजा की आंखों में आंसू आ जाता है, डबडबा गया, मतलब आंसू आ गया, कोई शब्द नहीं बाहर आ पा रहा था। वन राजा इतना इमोशनल हो गए थे बोलते बोलते कि उनके जो है ना, अब शब्द नहीं बाहर आ रहे थे, इसलिए थोड़े स्थिर हो जाते हैं। जब ऐसा मोमेंट आ जाता है तब वन राजा जो है शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, शांत। अब उनके मुंह से जो एक लफ्ज बाहर नहीं आती है। थोड़ी देर बाद आगे वन राजा कहते हैं, मंत्री ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही, सभी मेरा नाम लेकर मुझे बचाने के नाम पर कितना कितना योजना बनाते हैं, सब खा पी जाते हैं। ये कह रहे मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही, सभी जो है वन राजा के नाम पे, जंगल के नाम पे, कि जंगल को बचाने के लिए बहुत सारा योजना बनाते हैं,
और उसमें जो रकम मिलता है, पैसा मिलता है, उसको सब खा पी जाते हैं। नए नए जंगल लगाने के नाम पे गवर्नमेंट क्या करते, नए नए जंगल लगाने के नाम पर अरबों खरबों का योजना बनाते। योजना आता नहीं, योजना तो अरबों खरबों का योजना बनाते हैं, ऐसा वन राजा कह रहे हैं। मेरे ऊपर 1000 2000, वन राजा कहते हैं मेरे ऊपर 1000 2000 5000 10000, तो क्या लाखों खर्चा दिखाकर सब कुछ गबन कर जाते हैं। तो कह रहे हैं सब कुछ गबन कर जाते हैं। और वन राजा कहते हैं क्या मैं ये सब नहीं जानता हूँ, क्या हम इतना अचेत हैं क्या कि सब कार्यक्रम की जानकारी नहीं मुझे। तो वन राजा कहते हैं क्या ये सब हम नहीं जानते हैं, ये सब से हम बेखबर हैं क्या, हम सब जानते हैं। वन राजा कहते हैं मेरे भी शरीर में लहू है, मेरे भी शरीर में खून है, लहू है, मेरे शरीर में भी पानी बहता है। मेरे वन राजा कहते हैं मेरे शरीर में भी लहू है, मेरे शरीर में भी पानी बहता है, हम भी हवा पीते हैं, हम भी हवा पीते हैं, हम भी तुम्हारे जैसे सूरज का रोशनी पाते हैं, हम भी उसी मिट्टी पर रहते हैं जिस मिट्टी पर तुम रहते हो, तुम यानी आम आदमी। आम आदमी याद रखेंगे, यहाँ पे जो बात हो रही है वो आम आदमी और जंगल के बीच में, और वन राजा के बीच में। ये बोलकर वन राजा फिर रोने लगते, ये सब बोलते बोलते वन राजा फिर से रोने लगते हैं। आदमी जन के पासवान राजा के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो आदमी जो है, आदमी तो वन राजा के जो सवाल है उसका जवाब अब नहीं दे पाए। वन राजा इतना दुखी थे, इतना दुख था उनको कि आदमी सब सुने उनके बात, तब जो आम इंसान है, आम आदमी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर वन राजा बोले सिपाही फॉरेस्टर मालामाल हो गए मुझे बचाने का, तरह तरह का नाटक किया जाए। तो कह रहे हैं सिपाही फॉरेस्टर सब मालामाल हो गए मुझे बचाने के, तरह तरह का नाटक किया गया, सब नाटक था, जो योजना बनाए मुझे बचाने के लिए, जो प्लानिंग हुआ सब नाटक था, सब पैसा खाने के लिए सिपाही फॉरेस्टर लोगों ने ये सब किया, और ये सबसे सब पैसा गबन कर लिए, और फॉरेस्टर लोग हैं, सिपाही जो है मालामाल हो गए। हमारा बचावे का तो दूर, वन राजा कहते हैं हमको बचाने की तो दूर की बात है, मेरा तो धूल धूल उजाड़ दिए। ये कह रहे हैं कि हमको बचाने का तो दूर की बात है, मेरा तो धूल धूल उजाड़ दिए, मतलब पूरा जो जंगल है वो काट दे रहे हैं, जंगल खत्म कर रहे हैं, धूल धूल कर दिए हमको। मेरे साथ रहने वाले शेर, वनराज कहते हैं मेरे साथ रहने वाले शेर, बाघ, सियार, हाथी, खरगोश, चूहा, गिलहरी, सबको समाप्त किया गया। जंगल खत्म हो रहा है तो सब समाप्त हो रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि सबको समाप्त किया गया। सांप बिच्छू जो हमारा रखवाली करता था उनको भी खत्म किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वन राजा की रखवाली कौन करता था, तो हम लोग आंसर देंगे सांप और बिच्छू जो है वन राजा की रखवाली करता था, सांप बिच्छू जो हमारा रखवाली करता था उनको भी खत्म किया गया। नाना प्रकार के पक्षी चील का हुआ, नाना प्रकार मतलब अनेक, भी विभिन्न प्रकार के पक्षी, चील, कौवा, तोता, मैना, पंडकी, गुटरी, सब समाप्त हो गए, सब तोता मैना पंडकी गुटरी सब कुछ समाप्त हो गया। अब ये कहते हैं वर्षों में जो मोर मोरनी नाचते थे, वर्षों में जब बारिश होता तो मोर मोरनी जो नाचते थे सब खो गए, सब खत्म हो गए, कोयल की कुक आवाज का भी पता नहीं सुनाई, कहाँ सुनाई देता है। ये कह रहे हैं अब कहाँ सुनाई देता है कोयल का भी आवाज, सब खत्म हो गया। ये बातें करते करते वनराज झर झर कर रोने लगते। अगेन फिर से जो है ना, ये बात करते करते वन राजा झर झर रोने लगे। फिर रहा, अब कहते फिर रहा मेरा सर्वाधिक शुभचिंतक, रोते रोते बोलते अब क्या फिर रहा जो मेरा जो बाकी बच गया, मेरा शुभचिंतक हाथी, जो जंगल का सुख
वन राजा कहते हैं जो उनका जो शुभचिंतक है, हाथियों हाथियों के घरों को भी आप लोगों ने जाड़ दिया। यही कारण है कि हाथी खाने पीने के लिए, खाने पीने रहने के लिए खेत बाड़ी रौंद देता है। अब हाथी है, जंगल है, जंगल है, अब हाथी जो है ये क्या होगा? हाथी तो बड़ा जीव है, अब जब जंगल ही नष्ट हो जाएगा, खत्म होगा, तो हाथी जाएगा कहाँ? छोटा मोटा चीज तो है नहीं। अब जब जंगल बच नहीं रहा तो हाथी कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, जब तुम लोग हाथी का घर उजाड़ दिए हो तो हाथी खाने खाने पीने रहने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, और खाने पीने रहने के लिए कहाँ जाएगा? खेत बाड़ी इसीलिए रौंद देता है, किसी के घर कभी कोई भी बस्ती में प्रवेश कर जाता है। तो कह रहा है कि किसी के घर भी आ जाता है, किसी भी बस्ती में प्रवेश कर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है, घर ही नहीं है उसका। मुझसे कम दुखी हाथी नहीं है। तो यहाँ मेन पॉइंट जो आ रहा है, वन राजा ने कहा, वन राजा कहते हैं कि हाथी मुझसे कम दुखी नहीं है, मुझसे भी ज्यादा दुखी है, बल्कि ज्यादा है। तो क्वेश्चन पूछेगा, वन राजा से भी ज्यादा दुखी कौन है? तो आंसर होगा हाथी। आज उनका घर मकान नष्ट किया गया, बोल रहा है आज हाथियों का मकान, घर मकान नष्ट किया जा रहा है, आखिर वो भी तो जीव है। फिर बोन राजा ने कहा, तुम्हारे जैसे चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाषानपूर्ण उनका भी समाज है। तो तुम हाथी जो है, तुम्हारे जैसे चिंतनशील है, मननशील है, भावपूर्ण है, भाषापूर्ण है, उनका भी समाज है। यदि उनको कष्ट दोगे तो वो सब हाथियों द्वारा, तो वो सब हाथी जो है बदला जरूर लेंगे। बदला कैसे ले रहे हैं? खेत बाड़ी में घुस जा रहे हैं, गांव में घुस जा रहे हैं, सारे कुछ नष्ट हो जा रहे हैं। अब जब हाथियों का झुंड गांव में घुस आएगा तो कितना नष्ट करते हैं वो लोग पता ही है। तो वही बोल रहा, बदला बदला जरूर लेंगे, जिनकी आप प्रथम पूजा करते हैं उनके ही घर उजाड़ देंगे, तो इसे भोगेगा कौन? अब वन राजा कहते हैं, जो हाथी है ना गजराज, तो सबसे पहला पूजा इन्हीं का होता है, तो जब इन्हीं का घर उजाड़ दोगे तो इसको भोगेगा कौन? ऐसे कह रहा है, तो भोगेगा कौन? आम आदमी ही भोगेगा ना, जो उजाड़ रहा वही भोगेगा। कहने का मतलब यही है। बोन राजा बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है। हो रोते रोते उनकी आंखों में रोते रोते उनके आंख का आंसू सूख जाता। बोन राजा इतना इमोशनल है, इतना रोते हैं, इतना रोते रोते वो व्याख्यान कर रहे हैं तो उनका आंसू सूख गया, सूख जाता है। मन ही मन सोचे कि, और मन ही मन सोचने लगे कि, वन राजा जो है मन ही मन सोचने लगते हैं, आदमी बड़ा चालाक होता है, आदमी जो है बड़ा चालाक होता है, बहला फुसला कर सभी सजीव निर्जीव चल अचल को अपने काबू में कर लेता। सभी सजीव निर्जीव, जो चलता है नहीं भी चलता, सब को अपने काबू में कर लेता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए आदमी ऐसा करता है, आदमी जो है केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करता है। किंतु आदमी को एक दिन समझ में आएगा जब मेरी जरूरत पड़ेगी। वन राजा कहते हैं, आदमी को एक दिन जरूर समझ में आएगा जब मेरी जरूरत पड़ेगी। अब कैसे जरूरत पड़ेगी देखते हैं, क्योंकि यदि जंगल नहीं रहा, वन राजा कहते हैं, अगर जंगल नहीं रहा तो पानी बिना लोग तरसेंगे। सही बात है, अगर जंगल नहीं रहता है तो पानी कम होगा, वर्षा कम होगी, तो पानी बिना लोग तरसेंगे, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन का कमी होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जब ऑक्सीजन जो है कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ेगा कि बिना मेरे चरणों पर गिरे बिना कोई उपाय नहीं रहेगा। तो बोलते हैं वन राजा, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि मेरे चरणों में गिरे बिना कोई उपाय नहीं होगा। यहाँ पे चरणों पर गिरे बिना कोई उपाय नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? जब जैसे अभी दिल्ली, दिल्ली में क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हमारे यहाँ झारखंड,
यहाँ पे कम प्रदूषण है। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर जहाँ प्रदूषण है तो इंसानों जो आम आदमी है उसको क्या होगा, आखिर में जाना होगा जंगल के शरण में, शरण में जंगल का शरण लेना होगा। इसका मतलब यही है कि चरणों पर गिरे बिना कोई उपाय नहीं रहेगा। इतना कहकर वन राजा चुप हो जाते हैं। तो इतना जो कहते हैं, इतना कुछ कहकर वन राज चुप हो जाते हैं और कहानी जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेनली यही कहा गया है, यहाँ पे है संवाद है किसके किसके बीच में है, यहाँ पे वन राजा, वन राजा और आम आदमी के बीच में बात है। वन राजा और आम आदमी के बीच में बात हो रही, बातचीत को दर्शाया गया, बातचीत को, ठीक है। एक बार वन राज अपना दुखी सुनाते हैं, दुख दर्द, और एक बार आम आदमी सुनाता है। यही इसी कहानी पे पूरा ये सब बोला गया है, ठीक है। तो हम लोगों का जो आज सेकेंड चैप्टर है बोनिक लोर, वो खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है और आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर करें ताकि हम लोगों को वीडियो बनाने में जो है इंटरेस्ट आए। और ऐसे ही कंप्लीट वीडियो लाते रहें। और एक ज़रूरी बात है, जो इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में उपलब्ध है, ठीक है। टेलीग्राम में उपलब्ध है, वो भी प्रिंटेबल फॉर्म में, प्रिंटेबल फॉर्म में, ठीक है। आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, ना लिखने की ज़रूरत है। देखिए अब फैक्ट वाली बात क्या है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, और लिखने से क्या होगा ना कि टाइम तो है नहीं, तो टाइम बर्बाद होगा। तो डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट करें और जितना से ज़्यादा हो सकता है रिवाइज करें, रिमेम्बर करें और लर्न करें बस, और एमसीक्यू लगाएं, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।